सो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल प्रिया फिटनेस पे। और गुड मॉर्निंग, सुबह के बज चुके हैं 5:30। वैसे 5 बजे उठ चुकी थी सॉरी, और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे 6 बजे जॉब पे पहुँचना है। और मैं कर लेती हूँ मतलब अपने बाल फूल बना लेती हूँ अच्छे से, कुछ खा पी लेती हूँ, पानी वानी पी लेती हूँ, और उसके बाद मैं सीधा जिम जाने वाली हूँ। फिर मैं आपको वहाँ का सारा दिखाऊंगी कि कहाँ पे है, कैसे है, और वर्कआउट की आज वीडियोस भी आपको मिलेंगे, मतलब कि जो उस पर भी मैं ब्लॉग बनाऊँगी। मैंने लास्ट टाइम भी एक शूट किया था कि मैं वीडियोस बनाऊँगी, पर मैं नहीं बना पाई थी, ब्लॉग करूँगी वहाँ पर जाके, बट आज होगा और सारा होगा। और आज मैं लगाने की चेस्ट, आज चेस्ट है हमारा। सो मिलते हैं, बाय। हम चले निकलने, टाइम हो गया है। बोल दी, मेरी चाबी दियो। बाय मम्मा। बाय बेटा, कैसा है? हम चले। ओए सैंडी, ये मेरे को जाने नहीं देता, ये यहीं पे बैठ जाता है ऐसे। पिच्चू 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 पिच्चू, आए 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 आए, देखी किधर लाड करा कमीना। नहीं जान नहीं देना दीदी, जान नहीं देनी दीदी। सैंडू उड़ जा, उठ जा उठ जा उठ जा, चल चल। बाय माता। बाय बेटा। सो मैं गई हूँ पहुँच लेट, अभी ऊपर थी तो मैं सोचा मैं खुद ही सीढ़ियों से चली जाती हूँ, रुको। तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर जिम में, और साइलेंटली ही दिखाऊंगी सब कुछ, क्योंकि शोर बहुत होता है, मैं ऊपर भी शूट नहीं कर पाऊँगी, बहुत लाउड म्यूजिक होता है, खुद के मेरे कान फट जाते हैं कान। गुड मॉर्निंग, गई हूँ पहुँच जिम में। ये डाइट पहनी क्योंकि सुबह सुबह ठंड होती है, बाकी पूरे दिन गर्मी रहती है यहाँ पे, और रात को और सुबह ठंड होती है, क्योंकि अब मौसम भी वैसा आ गया ना, फेब भी खत्म हो गई है, बस आज एक एक या दो दिन रहते हैं। ओह गॉड, ये तो अभी से इतनी भूख लग गई, सीरियसली कुछ खा लेते हैं। सो रेडी, चमक रहे हैं तो यहाँ पे। चलो अब मिलते हैं ऊपर। मैं व्लॉग नहीं कर सकती बिकॉज क्योंकि ऊपर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा म्यूज़िक है, अभी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, मैं रूम में से पता चल रहा है, ऊपर बहुत ज़्यादा म्यूज़िक है, मैं कुछ बोलूँगी तो सुनाई नहीं देगा, सिर्फ मैं दिखा सकती हूँ, तो वो तो मैं जब मैं वर्कआउट करूँगी तभी मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। और अब मैं आपको मिलूँगी अपने मील टाइम पर, जब मैं खाना खाने आऊँगी, क्योंकि अब मैं ऊपर बना भी नहीं सकती हूँ क्योंकि अपने क्लाइंट्स पर ध्यान देना होता है। तो मिलते हैं फिर डाइट टाइम। हेलो एवरीवन, सो मैं अभी हुई हूँ फ्री, अब फ्री हुई हूँ मैं, सुबह 6 बजे से अभी 8:30-9 बजने वाले हैं, अब फ्री हुई हूँ मैं। अभी जस्ट मैं हैंड वॉश करके अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने, खाना खाने के बाद फिर मिलते हैं वर्कआउट टाइम पे। सो मैं आ गई हूँ अपने 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 स्थान पे, अपने स्थान पे आ गई हूँ। रुको एक मिनट रुको, ये लव सर थोड़े काले काले आ रहे हैं, ये मेरे, ये हमारे भाई हैं, बड़े भाई। क्या खा रहे हो सर? ओट्स? ओट्स खा रहे हो? ओट्स खा रहे हो? मेरे को सबसे गंदे ओट्स लगते हैं। ये यहाँ के छोटे ओनर है सुमित भैया, ये लव सर है। लव सर क्या खा रहे हो आप? और क्या डाला है इसमें? जोर से बोलो सर, लोग क्लाइंट उसको सुनना चाहिए ना, हमारे गाइस को, गाइस को सुनना चाहिए। ऑलनट्स है और इसमें ओट्स है। ओके
सर का क्रॉसफिट इतना अच्छा है ना, आप किसी दिन सर की वीडियोस देखना, सर की मैं आईडी यहाँ पे नीचे मेंशन करूंगी। सर का क्रॉसफिट इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है सर। फिर सर की फिटनेस उच्च लेवल की है, उच्च लेवल की। सर अपना बाइसेप दिखाओ, ये देखो, काम करते करते स्ट्रेस लेते लेते भी सर का बाइसेप इतना पंप है अभी भी। झूठी तारीफ, खुश हो रहे अंदर ही अंदर मन में लड्डू फूटा। कंट्रोल कंट्रोल उदय। सर तो लाल परी बन के आए हैं सर। सो ये है मेरी आज की मील, चेक करो क्या क्या है इसमें। हाई प्रोटीन, ये मेरी मॉर्निंग की है, दोपहर की भी दिखाऊंगी और जो डिनर में मैं लेती हूँ वो भी दिखाऊंगी, बीच बीच में क्या खाती हूँ वो भी दिखाऊंगी। अभी मेरे को इसलिए ऐसे होना पड़ रहा है, मेरे पास स्टैंड नहीं है, जब स्टैंड आ जाएगा फिर अच्छे से वीडियो बनेगी और अच्छे से बनेगी। ठीक है, अब मैं खा के उसके बाद फिर अच्छे से बात करते हैं, मैं एक बार खा लूँ अच्छे से। ये रवि सर, ये मेरा अभी व्लॉग देख के हटे हैं, अभी ये पता नहीं क्या देख रहे हैं। अच्छा टोकी देख रहे हैं, अभी जस्ट मेरा व्लॉग देख के हटे हैं दोनों जने। थैंक यू व्यू व्यू नहीं जबरदस्ती यार, नहीं नहीं क्या करवाया मैंने कमेंट। हेलो एवरीवन, सो मैं हो गई हूँ रेडी। अभी मैंने ये ब्लू टी शर्ट और ये ब्लैक टाइट्स पहनी है अभी जस्ट। उसके बाद मैं ऊपर जा रही हूँ, अभी वार्म अप करके वर्कआउट शुरू करूँगी और साथ में व्लॉगिंग भी आज होगी कंटिन्यूसली। सो आज हमारा चेस्ट डे है। सो यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया था लगाने के लिए, ये मेरा फर्स्ट सेट था। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि क्राउड और ऊपर से म्यूज़िक इतना लाउड था कि मैं नहीं बना पाई ज़्यादा वीडियो। तो ये मेरा पहला सेट था, मैंने 22.5 के लगाए थे। उसके बाद सो अभी 35 के सिर्फ चार रैप लगे हैं, लास्ट 35 35 दोनों साइड, उन दोनों के सिर्फ चार रैप लगे हैं। कोशिश थी कि 8 लग जाए, पर 4 ही लगे, उससे ज़्यादा नहीं लग सके। यहाँ पे मैं जब भी चेस्ट का वर्कआउट करती हूँ तो लास्ट में मैं 100 पुशअप्स लगाती हूँ, और यहाँ पे मैंने 20-20 करके जो 5 सेट लगाए थे, क्योंकि चेस्ट का वर्कआउट हैवी करने के बाद पुशअप्स लगाना बहुत टफ हो जाता है। एंड सीरियसली आप भी ट्राई ज़रूर करना एंड ऐड कर लो, मैं तो कह रही हूँ, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ आपकी अलग ही लेवल पे जाएगी अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं। मतलब चेस्ट के बाद अगर आप पुशअप्स लगाते हो 100 का पूरा वो क्लियर करते हो 20-20 करके, आप अपनी स्ट्रेंथ में देखना एक अलग से इम्प्रूवमेंट आएगी। सो आप भी ट्राई करके देखना, क्योंकि मैं तो कब से ही ट्राई कर रही हूँ, मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिली इस चीज़ में। सो मैं हो गई हूँ फ्री, और आज मैंने भी वर्कआउट की वीडियो थोड़ी बहुत ही, मैं आपने पीछे देखी होंगी, थोड़ी बहुत ही बनाई है बिकॉज क्योंकि ना मेरे फ़ोन की स्टोरेज कम है, इस फ़ोन की मेरे पास एक, वैसे एक ही है, इसकी स्टोरेज कम है, तो वीडियोस बहुत सारी थी, कुछ अगर मैं बना भी रही थी तो स्टोरेज फुल आ रहा था बार बार, मुझे कुछ ना कुछ डिलीट करके उसके बाद ही शूट कर पाती। तो जितना मैंने किया है उतना मैं आपको दिखा देती हूँ, पीछे आपने देखा ही होगा। और अभी मैं डन हो गया वर्कआउट, प्रोटीन पीने के बाद, मील लेने के बाद, फिर मैं आपको दोबारा मिलती हूँ। बाय। हेलो एवरीवन, सो मैं घर आ चुकी थी और मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। मैं लेट इसलिए हुई थी बिकॉज मैं अपनी मदर के लिए सूट लेने चली गई थी, बिकॉज मैं उनको मतलब गिफ्ट करना चाहती थी एक सूट। हमारे यहाँ पास में ही है एक मार्केट है, तो वहाँ पे बहुत सुंदर सूट था, बहुत ही प्यारा सूट था, वो पर्पल कलर में था, डार्क पर्पल में। तो मुझे लगा कि मुझे ले लेना चाहिए उस दिन, जिस दिन मैंने देखा था मेरे माइंड में मतलब ये हो गया कि अगर मैंने मम्मी के लिए अगर मुझे कभी सूट लेना पड़ा तो मैं ऐसा ही लूँगी। तो मुझे आज लगा कि मैं आज ले आती हूँ, लेकिन आज सारी मार्केट बंद थी वैसे, आई डोंट नो क्यों बंद थी, समझ मैं आ गई बस वहाँ से, मेरा दिमाग ख़राब हो गया इतनी धूप में और ऊपर से। फिर तो मैंने कहा चलो चलते हैं किसी और दिन, जब गेड़ा लगेगा तो वहाँ से मैं मम्मी के लिए सूट ले आऊँगी। और वो इतना प्यारा सूट था, क्योंकि मम्मी के पास ये है कि सूट है पहले उनके पास, पर मैं सोच रही थी कुछ और नया, वो कलर नहीं था उनके पास जो कलर मैंने देखा था, तो मैं सोचा कि चल मैं वही गिफ्ट कर देती हूँ उनको सिलवा के, पर चलो कोई बात नहीं। और मैं व्लॉग की एंडिंग करना भी भूल गई थी, सो मैं भी घर आ गई, अभी खाना खुना खाया, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, मिलते हैं अगले व्लॉग में।
सो इस ब्लॉग की यहीं पे एंडिंग करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड अपना ढेर सारा प्यार देना। आपने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए लास्ट वाली वीडियो पे, थैंक यू सो मच। और मुझे और बताइए क्या क्या चीज़ें मैं और बना सकती हूँ। अभी धीरे 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 कई बार क्या होता है ना कि मेरे फ़ोन में जैसे अभी स्टोरेज कम है, मुझे कई बार मैं वीडियो बना रही तो वैसे ही रुक जाती है, कट हो जाती है क्योंकि स्टोरेज फुल हो जाती है। और कई बार वॉइस का भी थोड़ा सा इशू पड़ जाता है क्योंकि आवाज़ नहीं आती है कई, मतलब आवाज़ या कम सुनाई देती। मैं यहाँ से प्रॉपर बोलती हूँ अच्छे से पूरा प्रॉपर कि आपको सुने, बट कई बार मैं खुद जब देखती हूँ ब्लॉग मैंने देखा तो आवाज़ कई काफ़ी जगहों पर आवाज़ कम आ रही थी। सो अभी धीरे धीरे सब चीज़ें हो जाएंगी, कुछ चीज़ें मेरे पास नहीं है जो धीरे धीरे माइक का या जो इसको पकड़ने वाला होता है फ़ोन पे जो रखने वाला स्टैंड होता है वो सब हो जाएगा धीरे धीरे भगवान की दया से, हनुमान जी की दया से। सो प्लीज़ अपना प्यार ऐसे बनाए रखा, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।